complemented by charming hint of spices as well as integrated oak bouquets. And this wine was also commended at the Decanter Asia Wine Awards 2016. And अगर आप जानते होंगे तो one of the very renowned person जो है Steven Spurrier, उन्होंने इस wine को consider किया था as one of the best new world wine. Hey guys, welcome back to my channel. And आज की video में हम लोग discuss करेंगे Grover Vineyards की जो red wines जो बनाते हैं उसके बारे में. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी रेड वाइन्स हैं जो कि ग्रोवर विनयार्ड्स बनाता है, जो कि सिचुएटेड है बैंगलोर में. सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ. सो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सब ब्रांड्स आते हैं, सो पहला जो सब ब्रांड है दैट इज ग्रोवर जाम्पा आर्ट कलेक्शन. सेकंड वाला जो है दैट इज ग्रोवर जाम्पा का ला रिजर्वा. थर्ड वाला जो है दैट इज ग्रोवर जाम्पा की तरफ से विजय अमृतराज सीरीज. फोर्थ जो सब ब्रांड आता है दैट इज शिने. एंड फिफ्थ वाला एंड जो लेटेस्ट जो आपको मिलेगा मार्केट में या फिर जो लेटेस्ट एडिशन है ग्रोवर जाम्पा विनयार्ड की वाइन की पोर्टफोलियो में दैट इज सिग्नेट. सो पहले अगर हम बात करें ग्रोवर जाम्पा आर्ट कलेक्शन मर्लो के बारे में, तो इसे ग्रेप की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें मर्लो ग्रेप यूज हुआ है. एंड अगर आप इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें, सो आर्ट कलेक्शन मर्लो इज एन एलिगेंट वाइन विद रिच एंड जूसी माउथ फील विद फ्लेवर्स ऑफ ब्लैक एंड रेड बेरीज. एंड इसका जो बेसिकली आर्ट कलेक्शन का जो लेबल रहता है ये डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग बनाया हुआ है. सो ग्रोवर जाम्पा आर्ट कलेक्शन मर्लो का जो वाइन बॉटल का लेबल है वो बनाया गया है रिनी धूमल जी के द्वारा. इसके अरोमास की अगर हम बात करें, सो इसमें आपको मिल जाएगा इररेसिस्टिबल नोट्स ऑफ ब्लूबेरी रेड चेरी एंड स्ट्रॉबेरीज विद वनला एंड हिंट ऑफ लिकरिस. एंड इसका जो पैलेट की अगर हम बात करें कि कैसा टेस्ट करता है, इट्स अ ग्रेशियस पैलेट विद लो टैनिंस जेस्टी रेड बेरीज एंड फ्लेवरफुल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लैक पेपर. इसकी पेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो फूड पेयरिंग है वो आप पेयर कर सकते हैं रोस्टेड मीट के साथ, पोल्ट्री शार्कुटरी बोर्ड जैसे अगर आप देखेंगे उसमें, कोल्ड कट ऑफ मीट जिसको बोलते हैं, बारबेक्यू डिशेज, मशरूम डिशेज एंड मैच्योर चीजेस के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं, फ्रूट टॉफी एंड चॉकलेट डिजर्ट. अरे वेट, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. वाइन की इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही परमानेंट मिलती रहेगी एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. लाइक तो कम से कम कर ही देना. नेक्स्ट वाइन फ्रॉम आर्ट कलेक्शन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट वाइन जो आती है इस सीरीज में वो आती है ग्रोवर जाम्पा आर्ट कलेक्शन की तरफ से कैबने शिराज. सो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कैबने शिराज, तो इसमें दो अलग अलग ग्रेप वैराइटीज का यूज हुआ है, कैबने सोविनियो एंड शिराज का. एंड ये जो वाइन है बेसिकली इट्स अ ब्लेंड बिटवीन कैबने एंड शिराज जैसे मैंने आपको बताया, एंड हैज अ पावरफुल एंड स्ट्रक्चरल माउथ फील विद द डेलिकेट स्पाइसी अरोमास. सो इसके लेवल को बनाया गया है मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी के द्वारा एंड जो कि एक बहुत ही रेनाउंड आर्टिस्ट हैं बंगाल से. कलर की बात करें, सो इट हैज अ वेरी डीप रूबी रेड कलर. एंड अगर आप इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें, सो इसके आपको नोट्स मिलते हैं ब्लैक करंट एंड ब्लैक बेरीज के विद स्लाइट नुआंसेस ऑफ मेडिटेरेनियन हर्ब्स एंड ब्लैक पेपर. पैलेट पे ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड राइप एलिगेंट डार्क बेरी फ्रूट को शो करता है विद द ग्रेट इंटेंसिटी एंड वेट कॉम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्ट फाइन ग्रेन टैनिंस एंड ग्रेट माउथ फील है इसका एंड विद अ गुड स्ट्रक्चर एंड पावरफुल एंड परसिस्टेंट फिनिश. तो ये एक वाइन है जिसको अवार्ड मिला था गोल्ड एट सकुरा जापान वुमेन्स वाइन अवार्ड्स 2016 में. एंड दिस वाइन वॉज ऑल्सो कमेंडेड एट द डिकेंटर एशिया वाइन अवार्ड्स 2016. सो डिकेंटर अगर आप जानते हैं बहुत ही रिनाउंड यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइन के बारे में लिखते हैं एंड वाइन के रिव्यू करते हैं. फटाफट फूड पेयरिंग की अगर हम बात करें कि क्या फूड पेयरिंग है इसकी, सो बेसिकली आप इस वाइन को पेयर कर सकते हैं रोबस्ट डिशेस के साथ लाइक पोक वील ग्रिल मीट्स कबाब्स एंड स्पाइसी प्रेपरेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्ट कलेक्शन के अंडर कौन सी वाइन आती है, सो दैट इज आर्ट कलेक्शन शिराज. एंड आर्ट कलेक्शन शिराज जो है दैट वॉज उसका जो लेबल है वो बनाया गया था मिस्टर परेश माइती द्वारा, हु इज अ वेरी ग्रेट इंडियन पेंटर. एंड जैसा आप जानते हैं इट इज अ शिराज, सो शिराज वैरायटी इसमें यूज हुआ है वाइन बनाने के लिए. शिराज इज अ वाइन ग्रेप वैरायटी. अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी ग्रेप वैरायटीज पॉपुलर है इंडिया में, सो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर रेड ग्रेप वैरायटीज के ऊपर है. सो कंसिडर चेकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो आउट अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी रेड ग्रेप वैरायटीज हैं जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में. अगर आप इसके कलर की बात करें, सो बेसिकली इसके जो कलर है इट्स एलिगेंट लाइट रेड विद वायलेट टिंट्स. अरोमास की बात करें, सो इसके जो अरोमा आपको मिलते हैं कैरेक्टर्स मिलते हैं वो रास्पबेरी ब्लैकबेरी एनीस ब्लैक पेपर एंड फॉरेस्ट फ्रूट्स के. पैलेट कंबाइंस विद वाइट पेपर एंड फ्रूट केक टुगेदर विद लश जूसी और रेड फ्रूट फ्लेवर्स मिलते हैं आपको एंड फिनिश इसकी लॉन्ग रहती है. अगर आप फूड पेयरिंग की बात करें, सो दिस पेयर्स वेल विद रोस्टेड टेंडरलॉइन
मींस लैम्ब डिशेस एंड तंदूरी पोल्ट्री एंड लैम्ब प्रिपरेशन। बढ़ते हैं अगले सीरीज की ओर, ग्रोवर जाम्पा विन्यार्ड की तरफ से जो कि आती है ला रिजर्वा की सीरीज, एंड ला रिजर्वा की जो पहली वाइन है दैट इज ला रिजर्वा। सो ला रिजर्वा की अगर हम बात करें तो इट हैज अ पावरफुल बुके ऑफ लशियस राइप रेड एंड ब्लैक फ्रूट्स विद एन एक्सक्विजिट हिंट ऑफ स्पाइसेस, एंड इट कंबाइंस ग्रेस एंड स्प्लेंडर ऑन द पैलेट विद चॉकलेट कॉफी बीन्स एंड वनीला फ्लेवर्स, एंड इसका जो फिनिश है ये लॉन्ग रहता है। वराइटीज की बात करें कि कौन कौन से वराइटीज इसमें यूज की गई है, सो दिस ला रिजर्वा उसमें ग्रेप यूज हुआ है दैट इज कैबने सोविनियो एंड शिराज। कलर की बात करें तो बहुत ही डीप गार्नेट पर्पल रेड कलर है। अरोमास की बात करें तो ला रिजर्वा हैज अ पावरफुल बुके ऑफ लुशियस राइप रेड एंड ब्लैक फ्रूट्स विद एन एक्सक्विजिट हिंट ऑफ स्पाइस। पैलेट में इट्स अ फुल बॉडीड वाइन कंबाइंस ग्रेस एंड स्प्लेंडर ऑन द पैलेट। The tannins are smooth and flavors are intense with chocolate, coffee beans and vanilla characters. You can pair really well with the roasted lamb, pasta dishes and flavorful cheeses. Lamb kebabs and mutton biryani ke saath bhi ye acche se ja sakta hai. So is wine ko gold medal mila tha at the Asia Wine The Silk Route Awards 2016 mein. And agar aap jante honge to one of the very renowned person jo hai Steven Spurrier, unhone is wine ko consider kiya tha as one of the best new world wine during a tasting in Germany in August 2005. This wine has won bronze medal at Decanter Asia Wine Awards 2016. So next wine ki agar hum baat kare, so next wine jo is collection mein aati hai that is La Reserva Pinot Noir. La Reserva Pinot Noir ki agar hum baat kare, so ye jo wine hai it's a very exemplary wine from Grover Zampa Vineyard and isko French wine making technique से बनाया गया है। So for this wine जो Grover Zampa Vineyard है उन्होंने collaborate किया हुआ है Chateau de Troyes से, which is why you can consider this wine and you can trust this particular wine. Color इसका जो रहता है थोड़ा सा ruby red रहता है and deep characters of strawberry, raspberries, grippy tannins रहते हैं and बहुत ही elegant bouquet आपको मिलेगा इससे, floral bouquet मिलेगा and berry fruit aromas. एंड इसके अगर आप पेयरिंग की बात करें तो इट गोज रियली वेल विद बेक्ड वील पोल्ट्री डिशेस, मटन कीमा, पनीर टिक्का एंड माइल्ड करीज लाइक माइल्ड चिकन करीज। सो नेक्स्ट वाइन की अगर हम बात करें Grover Zampa Vineyard की तरफ से जो आती है ला रिजर्वा सीरीज के अंडर दैट इज ला रिजर्वा सिरा ग्रेनाश। अगर आप इसके ग्रेप वराइटीज की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा सिरा एंड ग्रेनाश, दो अलग अलग वेराइटीज हैं। इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इट हैज अ पावरफुल बुके ऑफ ब्लैक चेरी पेपर एंड फ्लोरल अरोमास layered with notes of black cherry and vanilla. And palate pe this wine has a rich black fruits and sweet spices derived from oak aging. And this wine is rich in texture, full bodied wine hai with some firm tannins. So pairing ki baat kare, so it pairs well with barbecued and grilled red meats, stew, dishes with mushroom and pepper sauces like lamb kebabs, mutton biryani and mildly spiced curry dishes ke saath. So next wine jo aati hai Grover Zampa Vineyard ki taraf se that is Vijay Amrit Raj Reserve Collection Red. Is wine ki baat kare, so is wine ka naam liya gaya hai Mr. Vijay Amrit Raj ke naam pe, who was a very great tennis player from India, from Chennai. And this wine was inspired by Mr. Vijay Amrit Raj and because of his legendary feats and iconic style of play. एंड इसके अगर आप ग्रेप वैराइटीज की बात करें तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ कैबने सोविनियो शिराज एंड बियोनी है। अरोमास की बात करें तो इट हैज अ डार्क फ्रूट अरोमास, स्पाइसी ब्लैक पेपर, ब्लैकबेरी जैम एंड वायलेट काइंड ऑफ अरोमास एंड वेल बैलेंस्ड टैनिंस रहते हैं पैलेट पे, ब्लैक फ्रूट्स अलॉन्ग विद वायलेट एंड सम हिंट ऑफ स्पाइसेस। एंड अगर आप उसके बात करते हैं फ्लेवर प्रोफाइल एंड फूड पेयरिंग की, सो इट पेयर्स वेल विद मीडियम स्पाइसी एशियन क्विजींस, गुड कट ऑफ रेड मीट्स एंड स्ट्रॉन्ग चीजेस। नेक्स्ट वाइन जो आती है Grover Zampa Vineyard की कलेक्शन से दैट इज शेने। शेने ग्रैंड रिजर्व इज द मोस्ट ग्रेसफुल रेड वाइन एज्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मंथ इन फ्रेंच ओक बैरल्स। इसकी ग्रेप वैराइटीज की बात करें कि कौन कौन से ग्रेप वैराइटीज इसमें यूज हुए हैं, सो इट इज अ सिग्नेचर ब्लेंड ऑफ टेम्परानियो एंड शिराज। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि मैं सीरीज कर रहा हूँ ग्रेप वैराइटीज के ऊपर, सो आप मेरे वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेप के बारे में जानना है तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं एंड बाकी भी वीडियोस हैं आप मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं सो एज टू नो मोर अबाउट वाइन्स। इसके अरोमास की अगर हम बात करें तो वाइन हैज राइप डार्क फ्रूट अरोमास सच एज ब्लैकबेरी, करंट एंड राइप प्लम्स, कॉम्प्लीमेंटेड बाई चार्मिंग हिंट ऑफ स्पाइसेज एज वेल एज इंटीग्रेटेड ओक बुकेज सच एज वनीला, लिकोरिस, चॉकलेट एंड रोस्टेड कॉफी बीन्स। पैलेट पे दिस वाइन हैज अबंडेंस ऑफ डार्क फ्रूट्स एंड नुआंसेस ऑफ वनीला एंड सिनेमन ऑन द पैलेट विद अ ग्रेट स्ट्रक्चर, वेल बैलेंस्ड टैनिंस, एसिडिटी एंड एलिगेंट फिनिश। अगर आप इसके फूड पेयरिंग की बात करें तो आप डिफरेंट रोस्ट के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, ग्रिल मीट्स, राइस डिशेज, ग्रिल वेजिटेबल्स एंड पास्ता। एंड अब जो मैं वाइन की बात करने जा रहा हूँ Grover Zampa की तरफ से दैट इज वेरी यूनिक एंड बहुत ही डिफरेंट वाइन है ये जो बनाते हैं, ये जो सीरीज आई है दैट इज द लेटेस्ट एडिशन इन टू द
ग्रोवर जाम्पा पोर्टफोलियो एंड दैट इज द सिग्नेट रेंज। सो 5 सिग्नेट की रेंज आती है इसमें, मैं सारी डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर सिग्नेट पोर्टफोलियो। एंड आउट ऑफ दैट अगर मैं बात करूँ तो 4 अलग अलग तरीके से ये लोग फॉर एग्जाम्पल सेम ग्रेव वराइटल यूज़ करते हैं शिराज की, एंड डिफरेंट डिफरेंट एजिंग मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाइन मेकिंग मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इसमें एजिंग हुई है, एक 2000 लीटर के बैरिक में हुई है, एक 1000 लीटर के बैरिक में हुई है, एक क्ले एम्फोरा में हुई है, एक कंक्रीट टैंक्स में हुई है और एक फ्रेंच बैरिक में हुई है। तो अलग अलग इसके जो एजिंग मेथड है अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग फ्लेवर प्रोफाइल देता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ग्रोवर जाम्पा की तरफ से सिग्नेट रेंज। अगर मैं सिग्नेट शिराज की बात करूं जो कि फ्रेंच बैरिक्स में एज किया हुआ है, सिग्नेट शिराज इज द ड्राई मीडियम बॉडीड वाइन विद कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ चेरी, डार्क चॉकलेट्स एंड हिंट ऑफ रेड बेरी फ्रूट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेंच बैरिक्स में इसकी 24 मंथ्स की एजिंग हुई है, इसमें अर्दीनेस है, राइप टैनिंस है एंड बहुत ही डिस्टिंक्टिव ओक फिनिश आपको मिलती है विद rich aromas, and this is a very serious wine for the wine enthusiast and wine lovers, and it is one of the unfiltered wine जो कि retain करती है natural mouth feel को and phenolics को। इसके pairing की बात करें so it pairs really well with light roast और रेड मीट्स, कबाब, सम लाइट चीज और इवन माइल्ड स्पाइसी एशियन क्विजीन्स। सो बढ़ते हैं आज के वाइन के ज्ञान की ओर, एंड आज का जो वाइन का ज्ञान है, जो ग्रोवर वाइनरी है, ग्रोवर जाम्पा विनयार्ड्स हैं, दैट वाज सेट अप इन 1988 बाय मिस्टर कनवल ग्रोवर, व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और यू कैन से वन ऑफ द ओल्डर वाइनरी इन इंडिया एंड विच इज ओल्डर देन सुला विनयार्ड्स विच वॉज फाउंड इन 1999। सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको वाइन के बारे में जानना और पसंद है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।